بسم الله इला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल की तरफ ये फैसला कर दिया था। फिल किताब, किताब में, किताब से तौरात भी मुराद हो सकती है, आसमानी सहीफे भी मुराद हो सकते हैं। वो कह दिया था लतुफ्सिदुन फिल अर्ज़ मर्रतैन, कि तुम जमीन में दो दफा फसाद मचाओगे। यहां बहुत बड़ा फसाद मुराद है, क्योंकि छोटे मोटे फसादात पर अल्लाह की तरफ से सजा भी छोटी मोटी मिलती है। अच्छा, अल्लाह ने लिख दिया था कि क्या मतलब है, ये ऐसे ही है जैसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया ना फ्यूचर के बारे में, कुछ बातें होंगी, ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, तुम्हारी लड़ाई होगी फला से, मलहमा कुबरा होगा, जो क्यामत की अलामत हैं। तो अल्लाह ने तौरात में भी बनी इसराइल को बता दिया था कि तुम बदअमालियां करोगे जिसकी तुम्हें यह सजा मिलेगी, फिर तुम दोबारा बदअमाली करोगे फिर उसकी दोबारा तुम्हें यह सजा मिलेगी। तो वह क्या लिख दिया था अल्लाह ताला ने, लतुफ्सिदुन फिल अर्दि मर्रतैन, कि तुम जमीन में दो दफा सरकशी करोगे। यानी ये इस्लाम से पहले पहले, इस सरकशी से वो सरकशी मुराद है जो इस्लाम के दुनिया में आने से पहले पहले होगी। एक सरकशी वो जो हजरत ईसा अलैहि सलाम की मुखालफत में थी, और एक सरकशी वो जो हजरत मूसा अलैहि सलाम की मुखालफत में थी, यानी दीन मूसवी की मुखालफत की उन्होंने, जिसकी तफसील में बता चुका हूं कि तुम जमीन में दो दफा फसाद फैलाओगे और तुम बहुत बड़ी सरकशी करोगे जमीन में। जिना फैलने लगा था, शराब और लोगों पर जुल्म ज्यादती। आगे अल्लाह फरमाते हैं फैदा जा वादु उलाहुमा, इन दोनों वादों में से जब पहले वादे का वक्त आया। यहां वादे से मुराद है तकदीर, यानी जो अल्लाह ने इत्तला दी थी ना तुम्हें, वाद से मुराद मियाद, वक्त मुकर्रर। क्योंकि वादे में किसी से कोई खास टाइम का वादा किया जाता है, तो इसलिए उस टाइम को भी वादे से ताबीर किया जाता है, वरना वादा तो 80 चीजों में होता है ना। आप कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं फला वक्त में तुम्हारी दावत करूंगा, तो यहां वादा उस माना में नहीं है, यहां वादा है मियाद, जो अल्लाह ने टाइम बताया था। जब उस पहला वाला टाइम आया है तो क्या हुआ, बासना अलैकुम इबादल्लाना, हमने मुसल्लत कर दिया तुम पर अपने बंदे। अल्लाह ने अपने बंदे, क्योंकि काफिर भी अल्लाह का बंदा है, वो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें थी। अल्लाह ताला की आदत है कि जालिम को जालिम से ही सजा दिलवा देते हैं बाज दफा। वकदालिका नुवल्ली बादा ज़ालिमीन बादा, अल्लाह फरमाते हैं हम बाज दफा बाज जालिमों को दूसरे जालिमों से पिटवाते हैं। जैसे हिटलर भी एक जालिम था ना, लेकिन उस जालिम ही के जरिए अल्लाह ने यहूदियों को भी, यहूदियों पर भी जुल्म करवाया। तो यह अल्लाह की आदत है कि बाज दफा जालिम को जालिम पर मुसल्लत करते हैं। तो जो बाबुल का बादशाह बुख्त नसर था वो भी जालिम था, लेकिन अल्लाह ने उसको इन पर मुसल्लत कर दिया। उसको इबाद या अब्द से ताबीर इसलिए किया है कि अब्द कहते हैं गुलाम को, तो काफिर भी अल्लाह का गुलाम है। तो जब अल्लाह चाहते हैं उस जालिम ही को किसी पर मुसल्लत कर देते हैं, यानी वो भी अल्लाह के कंट्रोल में है, वो भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता कुछ भी। फरमाया हमने अपने बंदों को मुसल्लत किया, उली बासिन, जो बासिन शदीद, जो बहुत सख्त लड़ाई वाले थे, यानी जो बाबुल का बादशाह बुख्त नसर था, बड़ी शदीद लड़ाई वाला था। फजासू खिलाल दियार, वो घरों के बीच में घुस गए, यानी इतनी जबरदस्त फतह हुई उनको, और ऐसी सख्त उन्होंने लड़ाई की है कि मैदानों में लड़ाई नहीं बल्कि आबादियों के अंदर घरों के बीच में घुस के कत्लो गारत करने लगे। वकान वादन, और ये एक ऐसा मुकर्रर वक्त था, मफ़ऊला, जो होके रहना था। यानी अल्लाह ताला ने जब बता दिया था कि यहूदी फसाद करेंगे यह सजा मिलेगी, तो इसने होके रहना था और वो होके रहा। ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ, फिर हमने तुम्हारे लिए मदद की, लौटाया हमने तुमको कर्रा बारी को, अलैहिम उनके खिलाफ, यानी जो तुम्हारी दुश्मन कौम थी ना बुख्ते नसर, फिर हमने अब बारी को चेंज किया और हमने कहा तुम्हारे जरिए से हम इनको सजा दिलवाएंगे, ये भी तो जालिम लोग हैं ना, और तुम्हारी अब मदद करेंगे क्योंकि तुमने तोबा कर ली है। तो हमने फिर क्या किया इसके लिए, وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ, हमने मदद की तुम्हारी मालों के जरिए, वबनीन, और बेटों के जरिए। बेटों के जरिए मदद का मतलब यह भी हो सकता है कि अल्लाह ने यहूदियों की नस्ल बढ़ाई। जब बाबुल शहर में यहूदी जाके आबाद हुए ना, तो उनकी नस्ल बहुत तेजी से बढ़ी है। तो जाहिर आबादी का रेशो जब किसी कौम का बढ़ता है तो वो पावर में आ जाती है। जो हुक्मरान कौम थी उनकी आबादी का रेशो कम हुआ और यहूदियों की आबादी का रेशो बढ़ गया, जिसका नतीजा यह निकला कि जब ईरान के बादशाह ने हमला किया है बाबुल पर और बुख्त नसर के खिलाफ, तो यहूदी इतनी बड़ी तादाद में थे, उन्होंने ईरानियों की मदद की और अल्लाह ने अफरादी कुव्वत की वजह से बुख्त नसर की हुकूमत का खात्मा कर दिया। यह भी मतलब हो सकता है, और यह भी मतलब हो सकता है कि जो कैदी यहूदियों के कैद हुए हुए थे वो अल्लाह ने छुड़वा दिए, जिसके नतीजे में उनकी अफरादी कुव्वत बढ़ गई।
وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, اور ہم نے تمہیں زیادہ بنا دیا نفر کے اعتبار سے. نفر بھی افراد کو کہتے ہیں, یہ افرادی قوت ہم نے بہت کر دی. زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ آبادی کا ریشو بڑھا دیا, بہت زیادہ ان کی اولادیں ہوئی, بچے ہوئے, جس کے نتیجے میں جوانوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا, اور پھر ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی, تو اس کے نتیجے میں ان کو قوت اور طاقت مل گئی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اچھا عمل کرو گے, یعنی ہم نے یہ سب باتیں لکھ دی تھی پہلے کہ اگر تم عمل اچھا کرو گے تو احسنتم لانفسکم, تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے. اب دیکھو تم نے توبہ کر کے اچھا عمل شروع کر دیا نا, تو اللہ نے ایران کے بادشاہ کے ذریعے بخت نصر کو بابل کی حکومت کا خاتمہ کیا اور تمہیں اللہ نے نجات دے دی. تمہارے اچھا عمل تمہارے ہی فائدے میں جا رہا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور اگر تم برا کرو گے فلاحا, تو یہ بھی لِأَنفُسِكُمْ, تمہارے ہی نفس کے لیے یہ برائی بھی, یعنی اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے جیسے کہ تم نے اٹھایا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, پس جب دوسرا وعدہ آیا ہمارا, یعنی ایک دفعہ تمہیں بخت نصر سے نجات ملی, شام میں جا کے دوبارہ آباد ہوئے, پھر بدعمالیوں کی طرف تم مائل ہوئے, تو اس کو اللہ نے دوسرا وعدے سے تعبیر کیا ہے, یعنی دوسرا وقت مقرر آیا تاکہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, تاکہ تمہارا دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. اس سے مراد وہ انطاکیہ کا, جو جس نے انطاکیہ کو آباد کیا وہ بادشاہ تھا جس نے یہودیوں پہ چڑھائی کی, ان کی بدعمالیاں شروع ہو گئی تھیں, نااتفاقیاں شروع ہو گئیں, اور اس نے کیا کیا, اتنا یہودیوں کو مارا ہے کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا. یہ چہروں کو بگاڑنا کنایا ہے بے تحاشا مار پیٹ سے, کہ وہ بیت المقدس میں گھسا ہے, اور لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ, اور تاکہ یہ تمہارے دشمن گھس جائیں مسجد میں, مسجد اقصا میں, کما دخلوہُ اول مرہ, جیسے پچھلی مرتبہ تمہارے دشمن گھسے تھے اس میں, انہوں نے جو تخریب کاری کی تھی, اس دفعہ بھی تمہارے دشمن وہی کام کریں گے. وَلِيُتَبِّرُوا, اور تاکہ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیں, ماں ہر اس چیز کو, عَلَوْ, جس پر یہ غالب آئیں, تَتْبِيرًا, بالکل تباہ و برباد. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے نا, یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا, کیونکہ قرآن نے اس کو زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے.